हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। ये वीडियो आपकी रिलेटेड है। हम लोग इस वीडियो में दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक तो ये स्लैब रेट के बारे में, इंडिविजुअल की है, स्लैब रेट के बारे में। सर, मैं आपको बता दूं कि जो स्लैब रेट फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए 5 लाख नहीं है। सर, स्लैब रेट फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए 5 लाख नहीं है। आपकी जो स्लैब रेट है वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए अभी भी 2.5 लाख ही है। यदि आप इंडिविजुअल हैं, आपकी एज 60 से नीचे है, यदि आपकी एज 60 या 60 से ऊपर है तो वो स्लैब रेट 3 लाख हो जाती है। यदि आपकी एज 80 या 80 से ऊपर है तो वो स्लैब रेट 5 लाख तक की हो जाती है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 यदि आपकी एज 60 से कम है तो आपके लिए स्लैब रेट 2.5 लाख ही है। आपको रिटर्न मैंडेटली भरना है। यदि आपकी टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो जाती है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरना मैंडेटरी है। हां, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक रहती है तो उस पर जो टैक्स निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा। लेकिन अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो जाती है तो आपको ITR भरना मैंडेटरी है। सर, ये ग्रॉस टोटल इनकम क्या है? हम लोगों के इनकम कमाने के अनलिमिटेड सोर्सेज होते हैं। जैसे आप जॉब कर सकते हो, जॉब से आपको सैलरी मिल सकती है। आप बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस से आपको प्रॉफिट हो सकता है। आप अपना घर किराए पर उठा सकते हो, उससे आपको रेंट आ सकता है। आप अपनी ओल्ड ज्वेलरी, घर, लैंड या बेच सकते हो, उससे आपको प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होते हैं प्रॉफिट कमाने के। यदि मैं इनका टोटल कर दूं तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। यदि मैं इसमें से डिडक्शन घटा दूं, जो एलिजिबल डिडक्शन है सेक्शन 80C से 80U तक, जो आपकी एलिजिबल है, यदि मैं बात करूं, मैं 1.5 लाख की मांग के चलता हूं कि आप 1.5 लाख की डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन यदि ये 5 लाख के बराबर है, 5 लाख के, तो आप पर टैक्स 0 आएगा। बट यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम ही 2.5 लाख से ज्यादा हो जाती है तो सर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरना मैंडेटरी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20। सर, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 यदि आपकी टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो जाती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है। इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट 30 नवंबर 2020 है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 इनकम टैक्स की रिटर्न 30 नवंबर 2020 है। एक तो यदि आपकी 2.5 लाख से ज्यादा इनकम हो जाती है, ग्रॉस टोटल इनकम, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मिलती है। एंड आपकी यदि टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन जो एलिजिबल है, अलाउड है, जैसे इन्वेस्टमेंट, NPS, LIC, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, NSC, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यदि इन जगह आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है लिमिट तक, 1.5 लाख की लिमिट तक, डिडक्शन घटाने के बाद यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक आती है तो उस पर टैक्स 0 है। एक चीज और, यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख से 1 रुपये भी ज्यादा हो जाती है, सपोज 5,10,000 हो जाती है, तो आपको जो 5 लाख का बेनिफिट मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। 5 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा यदि आपकी टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन जो आपको अलाउड है इनकम टैक्स में 80C से 80U तक, यदि ये 5,10,000 हो जाता है ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस कर दूं, तो आपको 5 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको फाइनेंशियल ईयर 18-19 की तरह जिस तरीके से हम लोग टैक्स निकालते थे उसी तरीके से फाइनेंशियल ईयर 19-20 का हम टैक्स निकालेंगे। तो ये आपकी वीडियो हो गई। दो कंसेप्ट पे हमने बात करी थी, एक तो 5 लाख की स्लैब नहीं बढ़ी है एंड
यदि आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरना मैंडेटरी है। तो इसी तरीके से हम लोग GST से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड एंड फाइनेंशियल नॉलेज मैं अपने चैनल पे आपको देता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, बाय।